Who should not wear yellow sapphire? Who should not wear pukhraj? Pukhraj कौन नहीं पहन सकता? येलो सफायर कौन नहीं पहन सकता? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धनवेस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। जेम्सस्टोन रिगार्डिंग जो हमारी चर्चाएं निरंतर होती आ रही है, उसमें आपके अच्छे प्रतिसाद, अच्छे फीडबैक, अच्छे कमेंट्स और लाइक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर के आएँ, ऐसी इच्छाएँ होती हैं। और आज एक और नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। येल्लो सफायर यानी कि पुखराज, ये रत्न जो होता है वो गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर से एसोसिएटेड होता है, उसके साथ उसका सीधा कॉम्बिनेशन होता है। आज से पहले हमने हु शुड वेयर पुखराज, हु शुड वेयर येलो सफायर यानी कि पुखराज कौन पहन सकता है, इस विषय पर हमने चर्चा करी थी, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो वह वीडियो भी देख करके आप माहिती प्राप्त कर सकते हैं कि कौन पहन सकता है। आज बातचीत करेंगे कि कौन नहीं पहन सकता। अब क्योंकि हम गुरु ग्रह को ठीक करके उसका श्रेष्ठ प्रभाव लेना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकमात्र रास्ता जेम्सस्टोन ही है, एक ही मात्र ऑप्शन है कि हम इसी माध्यम से गुरु ग्रह को ठीक कर सकते हैं, ना। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, रेमेडीज़ हो सकती हैं, जिससे हम गुरु ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अगर रत्न से थोड़ा सा प्रभाव मिल सकता है, थोड़ा सा बेटर हो सकता है जुपिटर, तो रेमेडीज़ जो ऑल्टरनेटिव होती हैं और जो और रेमेडीज़ होती है वो और भी ज़्यादा बलवान यानी कि बहुत बलवान अच्छा प्रभाव पुश कर सकती है जुपिटर को, और अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर गुरु ग्रह का लाती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए डू नॉट स्टिक टू जेम्सस्टोन। जेम्सस्टोन के लिए ही आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ करके भी आप लाभ ले सकते हैं। गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए रेमेडीज़ यहाँ ऊपर आई बटन में वीडियो अटैच करूँगा, वहाँ से आप देख करके माहिती प्राप्त कर सकते हैं। जेम्सस्टोन रिगार्डिंग जो हमारी महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई थी, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक्स भी यहाँ ऊपर आई बटन में अटैच कर लूँगा, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं संपूर्ण माहिती। इसी वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे, उसकी लिंक्स अटैच करूँगा। बाकी महत्वपूर्ण और भी माहितियाँ प्राप्त करनी हो तो इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जेम्सस्टोन प्लेलिस्ट में आप सारे ही वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जेम्सस्टोन की अगर बातचीत करें तो वो महंगे भी होते हैं, ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर येलो सफायर आपको धारण करना ही है तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसको आपको देखना है। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर धारण नहीं किया जा सकता। सामान्य सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर ज्योतिष शास्त्र का सामान्य ज्ञान होगा तो आप समझ पाएंगे आसानी से। अगर समझने में मुश्किल हो तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर तथा वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़िए, बातचीत करिए, कॉन्टैक्ट करिए, कंसल्टेशन लीजिए, परामर्श लीजिए और संपूर्ण विश्लेषण करवा करके आप माहिती प्राप्त करिए कि आपके लिए येलो सफायर यानी कि पुखराज बनता भी है या नहीं बनता। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण माहिती आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसे ही और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे करियर, सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, ज्योतिष, जिज्ञासा, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, पंच महापुरुष योग, राशिफल, जेम्सस्टोन, संतान सुख जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होती आ रही है। इसी यूट्यूब चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोज देखकर के संपूर्ण माहिती आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि द्वितीय स्थान और सातवां स्थान जन्म कुंडली का जो होता है वो मारक स्थान होता है, आपके जीवन में परेशानियां लाने वाला होता है, मुश्किलियां लाने वाला होता है, आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी देने वाला स्थान दूसरा स्थान और सातवां स्थान कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस जो होता है यानी कि छः, आठ और बारहवा जो स्थान होता है वो भी ध्रुव स्थान होते हैं, खराब स्थान होते हैं, आपके जीवन में संघर्ष लाते हैं, परेशानियाँ लाते हैं, ऑब्स्टिकल्स लाते हैं, बीमारियाँ लाते हैं, शत्रुता लाते हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस कचहरी के चक्कर लगवाते हैं, आपको उलझा देते हैं, आपके जीवन में अशांति लेकर के आते हैं, परेशानियां लेकर के आते हैं, मुश्किलियां लेकर के आते हैं। इस वजह से अगर किसी भी ऐसे किसी स्थान में आपके जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह की राशि बनी हुई है तो आपको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह की राशियाँ कौन सी हैं अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। गुरु ग्रह की राशि धनु राशि और मीन राशि दूसरे, सातवें, छठवें, आठवें और बारहवें स्थान में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा, सातवां, छठवां, आठवां और बारहवां स्थान, इन स्थान में अगर गुरु जाकर के बैठे हैं तब भी आप रत्न धारण करने के लिए विचार ना करें, वो आपके लिए मुश्किलियाँ ला सकता है।
दूसरे सातवें छठवें आठवें और बारहवें स्थान के अधिपति के साथ में युति में अगर गुरु ग्रह कहीं पर बैठे हैं तब भी आप धारण नहीं कर सकते। जो स्थान मैंने आपको बताया उसके अधिपति ग्रह अगर गुरु को दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, तब भी आप गुरु ग्रह के रत्न को धारण नहीं कर सकते, यानी पुखराज धारण नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जो मारक स्थान होता है या दुस्थान होता है वो जहाँ पर बैठता है उसका अधिपति जहाँ पर बैठता है, अन्यथा उसके अधिपति की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर अशांति लाता है, मुश्किलियाँ देता है, परेशानियाँ देता है, नकारात्मक प्रभाव देता है। इस वजह से ऐसे किसी कॉम्बिनेशन में आपके जुपिटर गुरु ग्रह कहीं पर भी बैठे हैं तो यू शुड नॉट वेयर पुखराज, आप धारण नहीं कर सकते। आसान सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की बताने की कोशिश करी। नहीं समझ में आया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उत्तर देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।